नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए समझते हैं आज हम यहां पर डीप ओशन मिशन को। हाल ही में डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत मिशन संचालन समिति की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए 11 स्थलों की पहचान कर ली गई है। मिशन के अंतर्गत सबसे पहले खोज हाइड्रोथर्मल बेंच के लिए की जाएगी। हाइड्रोथर्मल बेंच में एक ऐसे अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिसमें कुछ विशेष बैक्टीरिया रासायनिक संश्लेषण करते हैं। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, मिशन के तहत सबसे पहले गहरे समुद्र में हाइड्रोजन सल्फाइड की खोज की जानी है। आपको बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के अंतर्गत डीप ओशन मिशन का मसौदा तैयार किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय भी है। डीप ओशन मिशन परियोजना भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी की विभिन्न पहलों का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका के लिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखते हुए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है। इस परियोजना में गहरे हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एकीकृत खनन प्रणाली विकसित की जाएगी और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक लोगों को ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी को भी विकसित करना है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल समुद्र तल पर बिखरी हुई वे चट्टाने हैं जिनमें लोहा, मैग्नीज, निकल और कोवाल्ट आदि खनिज होते हैं।